तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं रियलमी एटाई मोबाइल फ़ोन में जो BGMI का टेस्ट है या PUBG टेस्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं, गेमिंग टेस्ट के बारे में आज हम करेंगे बात। तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक गेम चाहिए, तो वो गेम फटाफट हम ओपन कर लेते हैं, सिंपली स्लाइड कर लेते हैं हमारे फ़ोन को और देख सकते हैं आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI जो आपका गेम है ये आपके फ़ोन में है। सिंपली मैंने इस पर क्लिक करा है और ये ऑन हो चुका है, आपका CPU, आपका GPU और सारे के सारे फंक्शंस दिखा रहा है। सिंपली क्राफ्टन का साइन आ चुका है। सिंपली मैं स्लाइड का मोड जो है वो ओपन कर देता हूँ, आपको साइड में दिखाई दे रहा हो 12:06 हो रहे हैं और हमारा जो मोबाइल का टेम्परेचर 39°C और 41% हमारा फ़ोन वो जो है वो चार्ज है। अब सिंपली आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है हमने ऑन कर लिया है, हमारा जो BGMI है वो ऑन हो रहा है। अब ऑन होने के बाद हम देखेंगे कि कैसा क्या ये गेम की परफॉर्मेंस इसकी आती है और इसका फ़ोन का टेम्परेचर आपको 39° दिखाई दे ही रहा होगा। सिंपली सेक्शन को ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मैप हैं। सिंपली मैं मैप के सेक्शन में चला जाता हूँ, जो हमारा जो नीचे जो साइड में आपको मैप का सेक्शन दिखाई देता है उस मैप के सेक्शन में चला जाता हूँ। सिंपली देख सकते हैं एरेंगल है और एरिक में काफ़ी सारे जो हैं मैप हैं, इसमें काफ़ी सारे मैप हैं, तो मैं इसमें से एक मैप को डाउनलोड करके और इस मैप को मैं इस बार प्ले करके दिखाऊंगा। काफ़ी सारे जो गेम हैं वो हमने खेल चुके हैं, इसमें ही काफ़ी सारे मैप का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम नया मैप को जो ट्राई भी कर लेते हैं साथ ही साथ गेम की टेस्टिंग के साथ। सिंपली मैं स्टार्ट कर देता हूँ और सिंपली इस गेम के अंदर करीब 28 से 30 प्लेयर उतरते हैं और काफ़ी छोटा जोन होता है और सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ ये गेम कैसा क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस मैप का नाम क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंपली जो है मैं सिंपली आगे का जो है सेक्शन जो है हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। सिंपली हम देख सकते हैं प्लेन में भी आ चुके हैं और करीब हमारे जो गेम है इसके अंदर टोटल 28 लोग अभी हैं अराइव और अभी देख सकते हैं इसके अंदर कैसा क्या होता है। सिंपली हम आ गए हैं और फटाफट हमने जो है छलांग मार दी। अब सिंपली हम नीचे चले जाएंगे जहाँ पर भी हमें जोन में जाना है, सिंपली जोन के अंदर जाना है और जोन के अंदर जाके वहाँ पर जो गेम को है वो आगे प्रोसेस करनी है। सिंपली देख सकते हैं इसका जो उतरने का स्टाइल है वो भी काफ़ी बढ़िया। यदि आपका जो गेम है, अगर आपने मान के चलिए नया नया स्टार्ट करा है या आपने पहली बार आईडी बनाई है, तो आपका जो गेम है या आपको जो BGMI है पूरी तरीके से इस्तेमाल करना बताएगा, यदि आप नए मैप में आए तो भी बताएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बार बार शो कर रहा है कि किस तरीके से आपको क्या काम करना है, आगे पीछे कैसे क्या जाना है, ठीक है। अब सिंपली हमने जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ले ली है और आप इस तरीके से लेट चल सकते हैं, इससे आप बॉम्ब मार सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी जंप करने का भी है, लेटने का भी, झुक के चलने का भी, ऐसे काफ़ी सारे जो उसमें साइड्स में बटन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको डिज़ाइन भी बना हुआ है। जहाँ पे मुक्का बना है वहाँ पे आपको मुक्के का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे जंप का है वहाँ पे जंप करना है, जहाँ झुकना है वहाँ झुक जाना है, घुटनों के बल बैठ सकते हैं आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो आपको जो है दी गई हैं। इसके अंदर आपको साइड में ऊपर मैप दिखाई दे रहा होगा, वो मैप का सेक्शन है, उसमें आपको मैप की चीज़ें दिखाई देंगी सारी की सारी, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब, किस जगह पर आप अभी हैं, जोन आ रहा है तो वहाँ पर रेड रेड दिखाने लगेगा। सिंपली अभी आप देख सकते हैं इसमें पिस्टल और ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें ले ली हमने और हम पिस्टल का इस्तेमाल करके भी दिखा रहे हैं। आप अपनी जो है सिंपली कहीं पे भी, अगर आप ये जो सेक्शन मैंने बताया, सिंपली आप पिस्टल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो पिस्टल आ जाएगी, वो आपको जो है जूमिंग का सेक्शन है, वो आपका स्कोप लगा हुआ होगा तो आपका जो है वो जूम हो जाएगा, आप उस पर जूम करके क्लिक करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, उस पर वापस क्लिक करेंगे जूम आउट हो जाएगा। सिंपली फिर आप गोली भी बरसा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप गोली भी जो है गोली का जो सेक्शन है दो साइड में दिया गया है, वो आप गोली भी बरसा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ये जो सेक्शन है इसे आप कैसे मॉडिफाई करें, तो इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। अभी जो हमारा जो आई बटन का सेक्शन है इसके अंदर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी कि आप ये जो BGMI है इसके अंदर आप जो ये सारे फंक्शन है इसे मॉडिफाई कैसे करें। अब सिंपली जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि इसके जो स्क्रोलिंग है काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी सारे सेक्शन इसमें दिए गए हैं। नॉर्मली जो बेसिक सेक्शन है, बेसिक के अंदर आपको काफ़ी सारी दी गई, जो इसमें एडवांस का सेक्शन है इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस दिए गए हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं जायरोस्कोप दिया गया है। जायरोस्कोप ही आपका फ़ोन जब भी आप इस्तेमाल करें तो हिले। उसके बाद फिर ग्राफिक्स देख सकते हैं, आपको HD की ग्राफिक्स मिल रही है, स्मूथ मिल रहा है, बैलेंस मिल रहा है, पर HDR नहीं मिल रहा है। तो सिंपली HD तक का ही आपका सपोर्ट है, अल्ट्रा HD भी नहीं है और अल्ट्रा HD से भी अल्ट्रा नहीं है। इसमें आप कलर भी कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई सेक्शन नहीं है। फिर मीडियम हाई आप क्या रेंज रखना चाहते हैं वो, उसके बाद फिर क्लोज कितना क्या रहना चाहते हैं, ये काफ़ी सारे सेक्शन है, इसके बारे में भी हम करेंगे बात। बट आप देख सकते हैं हमारा जो जोन है ये लगभग आ चुका है हमारे पास, तो हमें फटाफट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि देख सकते हैं गेम लेकिन काफ़ी बढ़िया चल रहा है, गेम में कोई समस्या नहीं आई है। मतलब जो रियलमी है हमारा एटाई मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर जो गेमिंग कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है। आप इसमें पबजी जैसे गेम काफ़ी बढ़िया तरीके से रन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। तो अगर आप पबजी के लिए रियलमी एटाई मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं नॉर्मली रेंज में, तो आप इस फ़ोन को भी ले सकते हैं और सिंपली आप जो है गेम को खेल सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।